इस वीडियो को पूरा देखना, क्यों? क्योंकि लास्ट में मैंने दिया है आपको एक क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का रिप्लाई देने वाले को मिलेगा पेटीएम कैशबैक 10 रुपए का। जो सबसे पहले हमें देगा इसका आंसर, उसको हम पेटीएम कैशबैक देंगे। देखते हैं कौन बनता है विनर। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस को। तो देखें, वर्दी मेरी शान है, वर्दी मेरा अभिमान है, जिसके लिए कुर्बान मेरी सांसें और मेरी जान है। अब या तो पढ़ूंगा या तो मरूंगा, या तो पढ़ूंगा या तो मरूंगा, इसके सिवा कुछ और नहीं करूंगा। ठीक है, जो भी है सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम को सच करने के लिए करूंगा। बाकी दुनिया गई अलग, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं क्या हूं, मुझे बस ये देखना है लोगों का क्या, लोग तो कहते रहते हैं, लोगों का क्या, लोग तो कहते रहते हैं, उनकी बातों पे मुझे कोई भी माइंड नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और पढ़ते जाना है, बस अपने पथ पर चलना है और आगे बढ़ते जाना है। ये होना चाहिए हम लोगों का मेन मोटो। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉप 500 का लेक्चर नंबर 4। मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से कि ये लेक्चर 4 आने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आगे से अब आपका कोई भी लेक्चर लेट नहीं होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो हम लोगों ने लास्ट में जो क्वेश्चन किए थे वो डिफरेंशिएशन से किए थे, अब हम लोग इसमें उसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आपका 31 नंबर क्वेश्चन है और इसकी जो PDF है वो सभी लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो भैया, और आराम आराम समझना। जिसको क्वेश्चन समझ में ना आया करे मुझे बता दिया करो, मैं आपको सारे क्वेश्चन समझा दूंगा। और फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे कोई भी लेवल का एग्जाम उठा लो, NDA AA AO4 या SSR। चलो क्वेश्चन नंबर है, y = x + e^(x), then find d2x / dy2। अब क्या करते हैं लड़के, जोश जोश में जल्दी से dy/dx निकाल लेते हैं और d2y/dx2 निकाल लेते हैं और आंसर को टिक करके चले जाते हैं। लेकिन यार यहाँ पे ये समझो ना कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, d2x/dy2 फाइंड करना है, ना कि हमको d2y/dx2 फाइंड करना है। तो समझते क्या होगा, समझना। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करें, dy/dx फाइंड कर ले, क्या करें, सॉरी dx हमको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, y के रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी अपोजिट करके चलना है। तो y का क्या हो जाएगा 1, x का क्या होगा 1, और यहां हो जाएगा dx/dy। जैसे हम y के रिस्पेक्ट में करते थे, अब x के, जैसे x के रिस्पेक्ट में करते थे वैसे y के रिस्पेक्ट में करेंगे। e की पावर x dx/dy। इज दैट क्लियर, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या किया, यहां से dx/dy कॉमन कर लिया, बचा कितना 1 + e^(x), और भैया dx/dy आ गया अपने पास 1/1 + e^(x). यहां तक सबको आ गया होगा। अब चाहिए d2x/dy2। हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे d/dy और dx/dy लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, यानी कि y के रिस्पेक्ट में इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे, वो समझो, ये हो गया हमारे पास d/dy 1/1 + e^(x). यहां लगेगा first/second, यहां क्या लगाएंगे first/second, कैसे लगाएंगे ये भी देखो, क्या होता फॉर्मूला, सेकेंड dy/dx फर्स्ट करोगे बेटा, 1 क्या है कॉन्स्टेंट है, तो ये हो गया 0 माइनस सेकेंड सॉरी फर्स्ट, फर्स्ट क्या है 1, और e^(x) का हो जाएगा e^(x), और dx/dy/, यहां पे क्या आ गया 1 + e^(x) का होल ऑफ स्क्वायर। इतना क्लियर, ये कहां से आया, कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा ये कहां से आया, यार x के रिस्पेक्ट ना करके हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए dx/dy आएगा। अब समझते हैं यहां पे हमारे पास फाइनल क्या मिला हमको, ये मिल गया -e^(x/1 + e^(x) का होल स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है dx/dy इसकी जो वैल्यू है 1/1 + e^(x). तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास d2x/dy2 =
माइनस ई टू पावर एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स का होल ऑफ थ्री। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बच्चों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी सर इस क्वेश्चन को बताना, इसलिए मैं तुम लोग बता दिया। एक चीज यहां याद करके चलना कि हम लोग एक्स के सापेक्ष ना करके वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जैसे पहले हम लोग वाई को ट्रीट करते थे अब हम लोग एक्स को ट्रीट करेंगे। क्लियर है? ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप सबको आ गया होगा, आप लोग देख लो इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर, और देखते हैं 32 नंबर को। ठीक है, और आप लोग परेशान ना हो, फिजिक्स की क्लास नहीं हो रही, फिजिक्स के टीचर आज आए थे लेकिन मुझे नोट सही नहीं लगे, इसलिए आपको कल होगी क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 क्या है समझे भाई, x टू पावर y इज इक्वल टू e टू पावर x माइनस वाई, देन फाइंड dy dx। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर ले, लॉग ले लें। लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई log e हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब ये हो गया y log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, क्योंकि log e तो हमारे पास 1 होता है, log e क्या होता है 1 होता है। अब भैया इसको उठा के इधर ले आओ, y कॉमन कर लो, तो यहां से मिला 1 प्लस log x इज इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया। इतना क्लियर है? y इज इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस log x आ जाएगा। यहां तक क्लियर? अब यहां पे हम लोग dy dx कर ले। dy dx जब करेंगे तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड अप्लाई करेंगे, फर्स्ट अपॉन सेकेंड अप्लाई करेंगे, मतलब सेकेंड x का हो गया 1 माइनस फर्स्ट 1 का हो गया 0, log x का हो जाएगा 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस log x का होल ऑफ स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब अपने पास क्या आएगा, यहां से आ गया 1 प्लस log x अपॉन माइनस 1 और 1 प्लस log x का होल ऑफ स्क्वायर। जैसे ये कैंसिल आउट हुआ तो फाइनल आंसर आएगा log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। आ गया समझ में कि नहीं आया? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने क्या किया समझना, इस तरीके से क्वेश्चन था, हम लोगों ने क्या कर लिया, यहां पे y ले लिया यानी कि log ले लिया, log लिया तो y log x हो गया, x माइनस वाई log e हो गया। ठीक है, अब समझते हैं, ये आ जाएगा y log x, ये हो गया x माइनस वाई। क्या हुआ, फर्स्ट यहां हमने y कॉमन कर लिया, ठीक, बचा x अपॉन 1 प्लस log x। अब देखो भैया ये हो गया फर्स्ट अपॉन सेकंड, सेकंड dy dx फर्स्ट माइनस फर्स्ट dy dx सेकंड अपॉन सेकंड का होल ऑफ स्क्वायर लगा के इसको हमने सॉल्व कर लिया। आई होप सबको आ गया। और तुम लोगों को देखते हैं सबसे पहले कमेंट कौन देखता देगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया है पेटीएम क्वेश्चन, जो सबसे पहले कमेंट देगा उसको मेरी तरफ से 10 रुपए का पेटीएम कैशबैक मिलेगा। तो देखते हैं कौन इसका सबसे पहले रिप्लाई देता है। चलो अगला क्वेश्चन है, अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या है अपने पास। और 33 नंबर है e टू पावर x प्लस e टू पावर y इज इक्वल टू e टू पावर x प्लस y एट द पॉइंट 1,1 पर हमें इसका dy dx फाइंड करना है, dy dx एट द पॉइंट 1,1 पे फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं, e टू पावर x का e टू पावर x, e टू पावर y का e टू पावर y और dy dx हो गया। इतना क्लियर है? अब समझना e टू पावर x का e टू पावर x और x प्लस y का भैया जब करोगे, x का होता है 1, x का होता है 1 और y का हो गया dy dx। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको लिख लें e की पावर x और e की पावर y dy dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y और प्लस e की पावर x प्लस y और dy dx। अब हम लोगों ने क्या किया, dy dx उठा के वन साइड ले आए, dy dx उठा के वन साइड लाओगे तो e की पावर x इंटू e की पावर y dy dx हो गया, ये वो भी काय का माइनस का, और ये हो गया प्लस e की पावर y और dy dx। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हो गया e की पावर x इंटू e की पावर y, ठीक, और माइनस e की पावर x। अब यहां से देखो कुछ कॉमन मिल रहा होगा, e टू पावर y dy dx आपने कॉमन कर लिया तो बचा क्या, यहां से आपको बच गया, यहां पे क्या हुआ 1 माइनस e की पावर x। अच्छा यहां पे क्या मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है e की पावर x कॉमन तो बचा e की पावर y माइनस 1। अच्छा dy dx भैया क्या आ गया, dy dx आ गया e की पावर x e टू पावर y माइनस 1 अपॉन e टू पावर y 1 माइनस e टू पावर x। अब यहां पे हम जैसे ही वैल्यू रखते हैं 1 और 1, 1 और 1 रखोगे e टू पावर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू पावर 1,
ठीक, ये हो जाएगा e टू पावर 1 माइनस 1 अपॉन e टू पावर 1 1 माइनस e टू पावर 1, जैसे ही कैंसिल आउट करोगे आंसर आएगा आपका माइनस का 1। क्लियर है, एक बार फिर से समझते हैं। हमको इस टाइप में क्वेश्चन दे रखा था, इस टाइप में क्वेश्चन दिया था और कह रहा है dy dx एट द पॉइंट 1,1 पे फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया e टू पावर x, e टू पावर y dy dx, यहाँ से हम लोगों ने e टू पावर x का e टू पावर x हो गया, x का 1 होता है, y का dy dx होता है, y का dy dx होता है। अब ये हो गया e टू पावर x, e टू पावर y dy dx, यहाँ से क्या किया e टू पावर x प्लस y, e टू पावर x प्लस y का अंदर मल्टीप्लाई करा लिया, dy dx अलग कर लिया, और हमने यहाँ पे देखा हमसे कह रहा dy dx एट द पॉइंट 1,1 पे फाइंड करना था, तो जहां पे x की वैल्यू 1 है वहां x 1 कर दो, जहां y है वहां 1 कर दो, तो अपने पास जो आंसर आएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, और आगे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, तो चलो देखते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, और 34 नंबर क्या है देखते हैं भाई। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और 34 नंबर जो है वो आपका पेटीएम क्वेश्चन है, 34 नंबर आपका पेटीएम क्वेश्चन है, और आपको पेटीएम क्वेश्चन क्या है हम बता दे रहे हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट एक्स प्लस रूट वाई डैश 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 इन्फिनिटी, ठीक है, और इसके आंसर हम दे दे रहे हैं आपको ऑप्शन, तो इसके ऑप्शन क्या है वो भी हम दे दे रहे हैं आप लोग को बताने हैं। पहला ऑप्शन है ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन टू वाई क्यूब माइनस टू एक्स वाई माइनस वन, बी है वाई स्क्वायर अपॉन टू वाई क्यूब माइनस टू एक्स वाई माइनस वन, सी ऑप्शन है वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू वाई क्यूब माइनस टू एक्स इंटू वाई माइनस वन, और डी ऑप्शन है आपके पास टू वाई क्यूब माइनस टू एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ये क्वेश्चन आपका पेटीएम क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को बीच में रखा है, जो कि आप लोग पूरा वीडियो देखो ये तो पता चले, और जो सबसे पहले इसका आंसर देगा ठीक है वो हो जाएगा आज का विनर। चलो इसका आंसर हम नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में जरूर बताएंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन वो क्या है। थर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन है भैया, वाई इज इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल डैश 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 एक्स टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, हमसे कह रहा है फाइंड फाइंड डी वाई डी एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप पता है तुम लोग क्या करोगे, हम बताते हैं, तुम लोग ये करोगे वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स मान लेते हो, मान लोगे ना, और करोगे आंसर नहीं आएगा करके देख लेना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन क्या है समझते हैं, जब इसका dy dx निकालोगे, जब इसका dy dx निकालोगे तो क्या आएगा, 1 का 0 हो गया, x का आ गया 1, x का आ गया 1, यहां से आएगा 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल 3x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल डैश 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 एन एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां तक आया, अब समझना इसको लिख सकते हो dy dx इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डैश डैश डैश, ये हो जाएगा यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। इतना क्लियर हुआ, इतना हुआ। अब लेकिन हमको चाहिए y, चाहिए y बनाने के लिए काम करो, अगर इसमें हम x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल जोड़ दें बोथ साइड तो ये क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू जो है ये पूरी y बन जाएगी, जरा चेक कर लो, यही तो है ठीक। तो ये आ गया dy dx माइनस y इज इक्वल टू x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, तो फिर से समझना एक बार, हम लोगों ने क्या किया, इसको लिख लिया dy dx, ये पूरा डिफरेंशिएट कर लिया, x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल बोथ साइड ऐड कर दिया, जो वैल्यू चाहिए थी उसको हम लोगों ने निकाल लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ,
और अगला क्वेश्चन क्या है, देखो भैया इसकी जो पीडीएफ है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग वहां से देख के डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है अपने पास, y इज इक्वल टू log x log e और x, ये कह रहा है, और dy dx फाइंड करना है, dy dx हमें फाइंड करना है। आप समझना कैसे करेंगे इसको, समझना इसको कैसे करते हैं, हम लोग क्या कर ले, y इज इक्वल टू ये लिख लो log log बेस में e और x इंटू log बेस में e और x अपॉन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x लिख सकते हैं, अगर इसको नीचे ले आए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यहां बेस लगा लो e, ये और ये हो गया कैंसिल, हमारे पास बचा कितना, y इज इक्वल टू log log x बचा, और भैया इसका dy dx निकालना है, तो dy dx क्या आएगा, log x का 1 अपॉन x, log x का 1 अपॉन x, और जिसको लेट किया उसका अगेन करोगे तो 1 बाई x, तो आंसर आएगा 1 अपॉन x log x, क्लियर है, आंसर आएगा 1 अपॉन x log x, ठीक है, हो गया ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भैया, 37 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, 37 नंबर है x की पावर m इंटू x की पावर m डैश 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 इन्फिनिटी इज इक्वल टू y टू पावर n, y टू पावर n, y टू पावर n डैश 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 इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू बतानी है हमसे, कह रहा है तो dy dx फाइंड करना है, dy dx फाइंड करना है, एक बार पहले आप लोग दो मिनट ट्राई करके देखो, ठीक है, देखते हैं आंसर कितना आता है, तो फिर हम एक मिनट पानी पी लेते हैं। चलो यार समझते हैं, ठीक, हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसको लिख सकते हो x की पावर m और t लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से सीरीज ब्रेक हो रही है, इसमें यहां से सीरीज ब्रेक हो रही है, y इज इक्वल टू n और t लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, याद करो वाला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x की पावर a, यहाँ से हम लोग ब्रेक कर लेते तो y लिख लेते, तो वही हमने t लिख लिया, और इज इक्वल टू हम लोगों ने मान लिया भैया ये कोई सीरीज t है, इज इक्वल टू क्या मान लिया, t के टर्म्स में है, कोई भी सीरीज a मान लो या a के टर्म्स मान लो, t मान लो या t के टर्म्स मान लो, जैसे y मानते तो y के टर्म्स में होती थी, तो यहाँ t है तो t के टर्म्स में मान लिया, इतना क्लियर। अब समझना बोथ साइड लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस बार वो क्वेश्चन थोड़े हमने अच्छे रखे हैं, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन मजा नहीं आता कि वही क्वेश्चन पहले वीडियो में पढ़ा दो, यही क्वेश्चन फिर से पढ़ा दो, तो इसलिए थोड़े से क्वेश्चन अच्छे लिए मैंने, ठीक है, तो ये आ जाएगा एम टी लॉग एक्स एन टी लॉग वाई इज इक्वल टू टी, टी कैंसिल होके आ गया एम लॉग एक्स इज इक्वल टू एन लॉग वाई, यहां तक क्लियर है, इतना क्लियर है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करो तो एम log x का 1 अपॉन x इज इक्वल टू n log y का dy dx, क्लियर, 1 अपॉन y dy dx, हमको चाहिए dy dx, तो dy dx कितना आ गया भैया, यहां से dy dx आ जाएगा m y अपॉन n x, क्लियर हो गया, dy dx आ गया m y अपॉन n x, आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर बिल्कुल ठीक है, m y अपॉन n x, समझना एक बार फिर से, अच्छा क्वेश्चन था, काफी लड़कों को समझ में नहीं आया हो क्या किया, यहां से सीरीज ब्रेक हो रही ना, तो भाई हमने क्वेश्चन मान लिया टी के इस कॉस्ट में, क्वेश्चन किसके मान लिया, टी के इस कॉस्ट में, ठीक है। तो जहां से ब्रेक हो रही इन्फिनिटी की सीरीज है, अगर हम यहां से टी मान ले कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक्स इज इक्वल टू एम टी हो गया, वाई इज इक्वल टू एन टी हो गया, इज इक्वल टू टी हो गया, इज इक्वल टू टी हो गया, ठीक है, लॉग ले लो बोथ साइड, एम टी इज लॉग एक्स एन टी लॉग वाई इज इक्वल टू टी, टी से टी कैंसिल हो गया, एम लॉग एक्स इज इक्वल टू एन लॉग वाई हो गया, वाई हम लोगों ने यहां से निकाल लिया डीवाई डी एक्स, तो डीवाई डी एक्स आया एम वाई अपॉन एन एक्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्या है, थर्टी एट है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स डिग्री एंड जेड इज इक्वल टू लॉग बेस में टेन और एक्स, देन फाइंड डी बाई डी एक्स, देन फाइंड डी बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसको लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू पाई बाई 180, लिख लिया, डी वाई डी एक्स जब करते हो भैया तो डी वाई डी एक्स क्या आता है पाई बाई 180 और साइन एक्स डिग्री आया, साइन एक्स का होता है सॉरी
कॉस एक्स डिग्री, क्लियर, डी वाई डी एक्स है, ठीक। और अब हम लोग क्या करेंगे, जेड है तो डी जेड अपॉन डी एक्स आएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स आएगा, ये लॉग एक्स है, ठीक है, लॉग इसको लिख सकते हो, यहां से समझना, पहले जेड इज इक्वल टू लिख सकते हैं लॉग एक्स बेस में लॉग टेन लिख सकते हैं, तो डी जेड अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, वन अपॉन एक्स लॉग टेन, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब समझना हमको चाहिए डी वाई अपॉन डी जेड, बोला क्वेश्चन में डी वाई अपॉन डी जेड, तो डी वाई डी जेड क्या आएगा, वाई वाली वैल्यू को, वाई वाली वैल्यू को पाई वाई 180 कॉस एक्स डिग्री को हम लोग डिवाइड कर दें वन अपॉन एक्स लॉग टेन से, वन अपॉन एक्स लॉग टेन से, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहां पे एक्स लॉग टेन और एक्स डिग्री अपॉन 180, ठीक है, और यहां पे हो गया पाई, आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को, है ठीक है, आंसर इन्होंने हाँ चेंज किया है, आंसर क्या चेंज किया है, इन्होंने दिया है पाई एक्स इंटू एक मिनट कॉस एक्स डिग्री होगा, यहां पे कॉस एक्स डिग्री होगा, कॉस एक्स डिग्री अपॉन 180 इंटू लॉग बेस में 10 और ई कर दिया है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से समझ लो, साइन एक्स डिग्री दे रखा है और जेड ये दे रखा है, डी वाई अपॉन डी जेड पूछ रहा है, तो वाई हम लोगों ने निकाल लिया पाई वाई 180, ठीक है, और कॉस एक्स डिग्री हो गया, ठीक, जेड इज इक्वल टू हमको दे रखा था लॉग बेस में 10 और एक्स, इसको हमने इस तरीके से ब्रेक कर लिया, वन अपॉन एक्स लॉग टेन आ गया, डी वाई डी जेड चाहिए था, जेड वाले से वाई वाले से जेड वाले को डिवाइड कर दिया, जैसा आंसर फॉर्मेट चाहिए वैसा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्टी नाइन नंबर देखते हैं क्या है, 39 नंबर है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और जी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, कह रहा है एफ एक्स का जी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बताना है, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, तो एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स कितना आएगा रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स आ गया, अच्छा 1 का क्या हो गया 0, एक्स स्क्वायर का क्या होता है माइनस का 2x होता है, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से भैया जरा जी डैश एक्स निकाल लो तो जी डैश एक्स आ जाएगा माइनस सॉरी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमको सापेक्ष डिफरेंशिएशन निकालना है तो सापेक्ष अवकलन आ जाएगा यानी विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन आ जाएगा, किसके कह रहा है इसके सापेक्ष कह रहा है, जिसके सापेक्ष कहता उससे डिवाइड करा दो, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होकर आंसर आएगा माइनस का एक्स, आंसर आ जाएगा माइनस का एक्स। और रहा अब आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन, और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, 40 नंबर, एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, देन फाइंड डी वाई डी एक्स। अब हम एक काम और करते हैं, ये दो क्वेश्चन आपको करने के लिए देते हैं, लेकिन पेटीएम जो है पहले वाले क्वेश्चन में है, और देखते हैं हमको पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कौन देता है और इस वाले क्वेश्चन का आंसर कौन देता है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कमेंट में कौन देगा, वही विनर होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, इसका अगला लेक्चर कल आएगा, उससे पहले हम कल सबसे पहले इन दो क्वेश्चन को कराएंगे, लेकिन आज देखते हैं कौन आंसर देता है।